हापुड़ की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए शराब बनाने का उपकरण बरामद किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, ये अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में दीर्घकालिक रूप से आगे चलता भी रहेगा, और जो ये उपलब्धि गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को जो मिली हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भट्टियाँ भी मिली, 3 अभियुक्त, 1 आपका गिरफ्तारी हुआ है, 2 भागने में सफल रहे हैं। इनके साथ और कठोरता से अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर, जो शराब पकड़ी है, कि चुनाव के लिए ये सफाई की जानी थी, क्या था पूरा? ऐसा है कि मेरा मानना यह है, और ये हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं, ये जांच का विषय है कि कहीं इसका उपयोग चुनाव में करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएँ हो रही हैं, या लगातार पब्लिक में जो इनका एक नेटवर्क है बेचने का, उसके बारे में लोग इतना व्यापक पैमाने पर ये लोग इसको ले आ रहे हैं मार्केट में।